ಹೌದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಫಲ ಕಿ ದೃಷ್ಟಿ ಸೆ ದೇಶ ಕಾ ಸಬ್ಸೆ ಬಡಾ ರಾಜ್ಯ ಹೈ ಔರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೇ ಜೋ ಕ್ಷೇತ್ರಫಲ ಕಿ ದೃಷ್ಟಿ ಸೆ ಜೋ ವನ ಭೂಮಿ ಹೈ ವೋ 9.60% ಹೈ ಸರ್ಕಾರ ದ್ವಾರಾ ನಯಿ ವನ ನೀತಿ अनुमोदित कर राज्य के 20% भाग को वृक्षादित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में वर्ष 22-23 में 56,410 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाया जा चुका है तथा वित्तीय वर्ष 22-23-24 में विभिन्न विभागीय योजनाओं में लगभग 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाया जाएगा। इससे राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नागरिकों, पंचायतों, स्थानीय निकायों आदि की राज्य में हरियाली बढ़ाने हेतु साझेदारी प्राप्त की जा सकेगी। राज्य सरकार द्वारा वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों एवं जनसाधारण को सहयोग से ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान की एक वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 23-24 में 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाकर के वितरित किए जाएंगे और राज्य के प्रत्येक जिले में एक लवकुश वाटिका विकसित की जा रही है और प्रत्येक जिले में एक एक और लवकुश वाटिका इस वित्तीय वर्ष में विकसित की जाएगी जिसका कार्य भी शीघ्र प्रारंभ कर दिया जाएगा। साथ ही जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर में 30 करोड़ रुपए की लागत से बोटानिकल गार्डन्स स्थापित किए जाने का कार्य भी करवाया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में ग्रीन लंग्स की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष में 32 करोड़ के कार्य कराकर इन क्षेत्रों को विकसित कर आम जनता के लिए खोला जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष में पेट्रोलिंग ट्रैक, फायर लाइन, नवीन वन चौकियों तथा वन विभाग के भवनों एवं परिसरों के सुदृढ़ीकरण, ड्रोन के माध्यम से सीडिंग, वायरलेस सिस्टम में सुधार, ट्रेप कैमरों के नेटवर्क के विस्तार पर विशेष रूप से बल दिया जाएगा। वर्ष 2018 में राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत था जो वर्तमान में बढ़कर के 3.92% हो गया है। इस प्रकार वैश्विक गाइड लाइन के अनुसार विभाग राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 4% संरक्षित क्षेत्र के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। राज्य में वनों की उत्पादकता बढ़ाने और इमारती लकड़ी, बांस एवं लघु वन उपज के उत्पादन में वृद्धि हेतु राजस्थान राज्य वन विकास विभाग निगम का गठन कर दिया गया है। राज्य स्तर पर अभी तक जिन पदों में पदोन्नति किया जाना था उनमें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित कर सभी पात्र कर्मचारी गण, अधिकारी गण को पदोन्नत कर दिया गया है। जिला स्तर पर पदोन्नत किए जाने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया जारी है और 2 महीने के अंदर इनकी भी पदोन्नति कर दी जाएगी। इसके अलावा राज्य में पहली बार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को वन विभाग में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों भी प्रदान की गई है। वर्ष 2018 से अब तक 9 नए कंजर्वेशन रिजर्व मनसा माता, शाहबाद रनखार, शाहबाद तलटी, फूलिया खुर्द, बागदर्रा, वाडा खेड़ा, जालाना आमागढ़ व रामगढ़ घोषित किए जा चुके हैं। राज्य में रणथंभौर, सरिस्का और मुकंदरा के बाद चौथा रामगढ़ विषधारी को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही धौलपुर में एक नए टाइगर रिजर्व को अधिसूचित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
राज्य के टाइगर रिजर्वों से स्वैच्छिक ग्रामों के विस्थापन कार्य को भी गति प्रदान की गई है। सरिस्का टाइगर रिजर्व से 3 गांव डाबली, पानीडाल व लोज और मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से 3 गांव लक्ष्मीपुरा, खरली बावड़ी व काटी घाटी जागीर और रणथंबोर टाइगर रिजर्व से 1 गांव गड्डी तालड़ा पूर्णतया विस्थापित कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त रणथंबोर टाइगर रिजर्व में गांव मरमदा, चौड़किया कला, चौड़किया खुर्द एवं काला खोरा से परिवासियों का विस्थापन किया जा रहा है। रामगढ़ बिस्तरी टाइगर रिजर्व बूंदी से इस वर्ष कुलखेड़ी तथा मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में मसालपुरा व दामोदरपुरा ग्रामों का विस्तार भी प्रगतिरत है। इसके अलावा संरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने तथा वन्य जीव संरक्षण में जन सहभागिता सुनिश्चित करने को दृष्टिगत रखते हुए हामागढ़, केला देवी, माउंट आबू, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ताल छापर, मनसा माता, बीड, झुंझुनू, बाशियाल खेतरी, झुंझुनू, जयसमंद, कुंभलगढ़, टाटगढ़, रावली, रामगढ़धारी टाइगर रिजर्व के बंपर क्षेत्र में सफारी संचालन के लिए अनुमति जारी कर दी गई है। साथ ही बस्सी, पालीघाट, जैत सागर झील बूंदी एवं कोटा बैराज से गरड़िया महादेव एवं जोहार सागर में से भैंसरोडगढ़ में नौकायान का प्रारंभ कर दिया गया है। नौकायान भी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चिड़ियाघरों एवं बायोलॉजिकल पार्क से शाकाहारी वन्य जीव जैसे चीतल, सांभर, काला हिरण इत्यादि को प्रेबेस सुधार हेतु कम घनत्व वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित कर रिवाइल्डिंग का कार्य किया गया है। राज्य में आम जन संस्था, कॉरपोरेट, वन्य जीव प्रेमी इत्यादि द्वारा जैविक उद्यानों में वास कर रहे वन्य जीवों को गोद लेने के लिए कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम प्रारंभ की गई है। राज्य में इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में 2.94 लाख हेक्टेयर वन भूमि अनसर्वेड थी। विभाग के प्रयासों के फलस्वरूप इस 2.94 लाख हेक्टेयर अनसर्वेड भूमि में से 2.83 लाख हेक्टेयर वन भूमि का सर्वे कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस भूमि का राज्य में अमल दरामद भी किया जा चुका है। तहसील सम जैसलमेर में 2,569 हेक्टेयर भूमि को गोडावन व वन्य जीवों के संरक्षण हेतु विभागों को आवंटित कराई गई है। राज्य पक्षी गोडावन के संरक्षण हेतु संभ रामदेरा में कृत्रिम प्रजनन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही खरमोर एवं हरित मुनिया का संरक्षण के प्रयास राज्य में किए जा रहे हैं। कृष्ण मृगों के लिए नागौर जिले के सरसुगण में 359 हेक्टेयर भूमि वन विभाग के लिए आरक्षित की गई है। अबेड़ा जैविक उद्यान कोटा तथा बर्ड पार्क उदयपुर को आमजन के लिए खोल दिया गया है। नारगढ़ जैविक उद्यान जयपुर, मासिया जैविक उद्यान जोधपुर एवं सज्जन उदयपुर में आधुनिक वन्य जीव रोग निदान व रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य के संरक्षित क्षेत्रों हेतु जो 24 स्थानों पर इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाने हैं उनमें से 15 इको सेंसिटिव जोन की अंतिम अधिसूचना जारी हो चुकी है तथा ताल सापर, सरिस्का, कुंभलगढ़, फुलवारी, शेरगढ़, राष्ट्रीय मरु उद्यान, रणथंभौर हेतु प्रस्ताव पर सरकार को भेजे जा चुके हैं। लकड़ी व्यापार योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 22-23 में फरवरी माह तक 24.75 करोड़ रुपए, बांस योजना के अंतर्गत फरवरी माह तक 2.74 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया है। वन सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा बेहतर प्रबंधन हेतु सहायक वन रक्षक के, वन संरक्षक के 127 ACF के और रेंजर ग्रेड फर्स्ट के 103 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाकर प्रशिक्षण हेतु भेजा गया है। वनपाल के 148 पदों पर तथा वन रक्षक के 2,646 पदों पर लिखित परीक्षा परिणाम जारी कर
शारीरिक दक्षता परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद शीघ्र उनको नियुक्ति दी जाए। इन कार्मिकों के नियोजन से विभागीय गतिविधियों को बेहतर संचालन में मदद मिलेगी। संभाग वन मंडल रेंज मुख्यालय स्थित कार्यालय में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए 200 से अधिक कंप्यूटर संसाधनों की व्यवस्था की गई है। साथ ही फील्ड डेटा कम्युनिकेशन तो वन रक्षक से सहायक वन रक्षक तक के लगभग 4,200 फील्ड कर्मचारियों अधिकारियों को सिम आधारित इंटरनेट सुविधा दी गई है। नवीन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए फील्ड अधिकारी गणों को उस स्तर के 25 GPS डिवाइस 43 लैपटॉप उपलब्ध कराए गए। रेंज कार्यालय स्तर तक कंप्यूटर कार्य करने के लिए लगभग 310 मैन पावर की व्यवस्था की गई है, जिससे आईटी संबंधित कार्यों को गति मिलेगी। विभाग द्वारा वन सीमा का डिजिटलाइजेशन कर इसका उपयोग फॉरेस्ट फायर प्रबंधन कार्य योजना तैयार करने तथा इको सेंसिटिव जोन के प्रमाणीकरण आदि में किया जा रहा है। फ्रांस सरकार की एजेंसी AFD के सहयोग से राजस्थान राज्य के 13 जिलों में 1673 करोड़ रुपए की राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना वित्तीय वर्ष 23-24 में शुरू की जा रही है। परियोजना के तहत 55,000 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य, 55,00,000 पौधों का वितरण, 100 ओरणों का विकास, वन क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु 610 किलोमीटर दीवार का निर्माण कार्य, रामगढ़ विस्तारी सेंचुरी, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व एवं भैंसरोडगढ़ सेंचुरी कोटा में विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जायका के सहयोग से 1,803.42 करोड़ रुपए की लागत से एक परियोजना राज्य के 19 जिलों तो तैयार की जा रही है। 8 वर्ष के लिए प्रस्तावित इस परियोजना में भी लगभग 37,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नवीन वृक्षारोपण, 3,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पुराने वृक्षारोपण में सुधार, 500 किलोमीटर प्रोटेक्शन वाल पक्की दीवार निर्माण एवं ओरण विकास आदि के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। यह परियोजना वित्तीय वर्ष 23-24 में स्वीकृत कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही ई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी एवं जलवायु परिवर्तन नीति तैयार कर ली गई है। साथ जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को रोकथाम हेतु IIT बॉम्बे के तकनीक सहयोग से राज्य जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान भी तैयार किया गया, जिससे विभिन्न विभागों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। थोलाई जम्बा रावगढ़ जिला जयपुर में 44 हेक्टेयर में भूमि इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क के विकास का कार्य प्रारंभ कराया जा रहा है। आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं सतत विकास हेतु 50 आर्द्र भूमियों को अधिसूचित कर उनकी सुरक्षा संरक्षण विकास हेतु कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 और जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1976 के तहत व्हाइट कैटेगरी के उद्योगों को विभिन्न स्वीकृतियों की आवश्यकता नहीं रहती है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के दृष्टि से व्हाइट कैटेगरी के उद्योगों की संख्या को वर्तमान में 54 से बढ़ाकर 100 तक बढ़ाए जाने की अधिसूचना भी शीघ्र जारी की जा रही है। प्रदेश में वायु प्रदूषण कम करने हेतु सभी रोलिंग मिल्स में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को अनिवार्य किया गया है तथा उद्योगों में स्थापित होने वाले नए बॉयलर्स को स्वच्छ ईंधन पर आधारित होना अनिवार्य किया गया है। ऑनलाइन कंटिन्यूस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम एवं सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम के माध्यम से वायु एवं जल प्रदूषण का रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग का सुदृढ़ीकरण किया गया है। ये वन विभाग से संबंधित दूसरा सभापति महोदय वन्य जीवों से वन और वाइल्ड लाइफ भी है इसमें तो वन्य जीवों संबंध में जनहानि व पशुहानि प्रदेश में संरक्षित क्षेत्र में अथवा बाहर वन्य जीवों द्वारा जनहानि अथवा घायल किए जाने अथवा वन्य क्षेत्रों के बाहर पालतू मवेशियों के मारे जाने की घटनाएं होने पर
तत्काल मुआवजा भुगतान की दरें राज्य सरकार के आदेश 10/11/2022 के द्वारा बढ़ाई गई है, जिसकी सूची मेरे पास है वो उपलब्ध करा देंगे। और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसके लिए भी वन्य जीवों द्वारा फसलों किए जा रहे नुकसान से बचाने, उससे उत्पन्न समस्याओं निजात दिलाने के कृषि विभाग द्वारा किए जाते हैं। वन विभाग वन्य जीव प्रभाग द्वारा रोजड़ों और अन्य जंगली जानवरों की रोकथाम हेतु उन्हें नियमानुसार मारे जाने की अनुमति देने हेतु सक्षम अधिकारियों को जरिए अधिसूचना आदेश से अधिकृत किया गया है। वन्य जीवों की रेस्क्यू के लिए वन्य जीवों की संख्या बढ़ने के कारण इनके रेस्क्यू की घटनाएं निरंतर बढ़ रही है। प्रथम चरण में नारगढ़ जैविक उद्यान जयपुर एवं माचिया जैविक उद्यान जोधपुर में आधुनिक वन्य जीव रोग निदान एवं रेस्क्यू सेंटर विकसित किए जा रहे हैं। उदयपुर जिले में पैंथर्स की संख्या को देखते हुए पैंथर संरक्षण के लिए पैंथर रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जा रहा है। रेस्क्यू की घटनाओं के प्रबोधन हेतु रेस्क्यू ऐप विकसित किया गया है, जिससे रेस्क्यू किए गए वन्य जीवों की सूचना अंकित की जा सकेगी। रेस्क्यू व मुआवजे हेतु वर्ष 19-20 से 22-23 के दौरान 8,60,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके विरुद्ध अब तक 7,38,86,000 रुपए व्यय किए जा चुके हैं। सभापति महोदय, वन्य जीव सर्विलेंस एंड एंटी पॉन्चिंग सिस्टम, जिसके तहत वन्य जीवों के लिए वन्य जीवों की सुरक्षा और अवैध शिकार की रोकथाम के लिए राज्य के रणथंभौर सवाई माधोपुर में 12 और सरिस्का का अलवर में 16, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा में 16 तथा जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व पाली में 4, झालाना लेपर्ड सफारी जयपुर में 8 सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कैमरे स्थापित किए गए। वर्ष 22-23 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा में इस प्रणाली के विस्तार की घोषणा की गई, जिसके तहत रणथंभौर में 4, सरिस्का में 14, मुकुंदरा हिल्स में 4, डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में 4 अतिरिक्त स्थानों पर इस सिस्टम के तहत कैमरे लगाए जा रहे हैं। आगामी वर्ष में यह प्रणाली रामगढ़ विस्तारी नारगढ़ अबू पर्वत भैंसरोडगढ़ कुंबलगढ़ एवं रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस सिस्टम के लगाए जाने से 24/7 वनों की सुरक्षा एवं शिकार की रोकथाम में सहायता मिलेगी। अवैध गतिविधियों की तुरंत रोकथाम अन्वेषण में सहायता मिली। इस प्रणाली के उपयोग से संरक्षित क्षेत्रों में बढ़ी हुई निगरानी के कारण इन क्षेत्रों के निवासी सचेत हो गए हैं, जिससे वन्य जीव अपराध में लिप्तता की संभावना कम हुई। इस तकनीक में और सुधार कर इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम में लिया जाकर वन्य जीवों से संबंधित अवैध गतिविधियों की रोकथाम एवं वन्य जीव प्रबंधन में और अधिक सहयोग प्राप्त हो सके, जिसके लिए कार्रवाई की जा रही है। सभापति महोदय, भाजपा की पिछली सरकार के 5 साल के कार्यकाल और हमारी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में तो अंतर है, हमने उनसे कितना अधिक काम किया उसका भी मैं थोड़ा प्रेरणा देना चाहूँगा। टाइगर रिजर्व उनके टाइम में एक भी घोषित नहीं हुआ और हमारे टाइम में एक टाइगर रिजर्व घोषित हुआ। कंजर्वेशन रिजर्व घोषित उनके टाइम में हुए 3 और हमारे टाइम में हुए हैं 9। इको सेंसिटिव जॉन उनके टाइम में 6 घोषित हुए हैं और हमारे टाइम में 10 घोषित हुए हैं। घर घर औषधि योजना के अंतर्गत मानव स्वास्थ्य रक्षण एवं इम्यूनिटी बढ़ाने हेतु राज्य के प्रत्येक परिवार का औषधीय पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया और इनके टाइम में ये योजना ही नहीं थी। वन क्षेत्र के बाहर हरियाली बढ़ाने के लिए, जैसा मैंने पूर्व में कहा, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान कार्यक्रम तहत 5 करोड़ पौधे नगर निकाय पंचायती राज संस्थाएं अनशन जनसाधारण को वृक्षारोपण उपयुक्त कराया जाना है। नई वन नीति, ई वेस्ट मैनेजमेंट नीति, जलवायु परिवर्तन नीति भी लाई गई, इनके टाइम में ये कोई नीति नहीं थी। नियुक्तियों के बारे में तुलनात्मक में निवेदन करना चाहूँगा, क्रीड़ा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम 2017
सहायक वन संरक्षक 24 संरक्षक रेंजर ग्रेड फर्स्ट वन पाल मंत्रालय के समग्र 24 और प्रतीक परीक्षा के माध्यम से सहायक वन संरक्षक 37 और भाजपा सरकार के समय थे उनके टाइम में थे 0 और हमारे टाइम में 24 ऊपर बताया मैंने। नीचे सहायक वन संरक्षक ACF इनके टाइम 37 और हमारे टाइम में 121 रेंजर ग्रेड फर्स्ट इनके टाइम में एक भी नहीं और हमारे टाइम में 103 वनपाल स्वीकार है स्वीकार है तो ठीक है। इसके अतिरिक्त कोई बात नहीं आपसे हमने 3 शहीद आप शहीदों की बात करते हो हमने 3 शहीदों के आश्रितों को वनपाल के पद पर नियुक्ति दी है। अनुकंपा नियुक्ति की और भी बहुत लोग आवेदन आए हुए हैं बहुत सारे लोगों के अनुकंपा नियुक्ति के लिए लेकिन सबको हम दे नहीं सकते इतने हमारे पास पद खाली थे नहीं इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि कम सबको नहीं दे सकें कम से कम शहीद जो है उनके परिवार को तो अनुकंपा नियुक्ति दे दी जाए। तो हमारे पास जितने भी थे शहीदों के परिवार उन सबको नियुक्ति दे दी और ये मैंने कहा 3 तो वनपाल का दे दिया 2 को चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में नियुक्ति दे दी। इस प्रकार आप मान गए तो बढ़िया नहीं नहीं आगे बढ़ता एक मिनट सभापति महोदय आज वनों के महत्व के बारे में अभी अवस्थी जी ने महत्व बताया और भी दूसरे माननीय सदस्य ने वनों का महत्व बताया वनों का कितना महत्व है इस बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वन है तो हम हैं वनों के बिना हमारा जीवन मुश्किल है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की क्या स्थिति थी आज अगर वन नहीं होंगे तो ये पर्यावरण जो दूषित हो रहा है इसमें वन कितने सहायक है मनुष्य के ऑक्सीजन के लिए हर तरह से वन कितने सहायक है ये चीज़ देखने की बात और वनों के महत्व को आज नहीं ये भी सदस्य कह रहे थे बिहारी लाल जी भी और ये कृष्णा राम जी भी अमृता देवी वाली बात 21 सितंबर 1730 की बात है ये आज से कितने वर्ष पहले 1730 में पेड़ों का कितना महत्व समझा अमृता देवी और उसकी 2 बेटियां 3 बेटियां आशु रत्नी और भागु के साथ वो शहीद हो गई और 363 लोग शहीद हो गए लेकिन पेड़ों को निगर इसलिए अमृता देवी ने पेड़ों को बचाने के लिए कहा था कि सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। तो कहने का मतलब यदि किसी व्यक्ति की जान पे के कीमत पर भी अगर पेड़ बच जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार ये पर्यावरण के बारे में भी थोड़ा बताना चाहूँगा। सभापति महोदय पर्यावरण में भी हमने बहुत काम किया है इनके टाइम में जो काम हुआ उसकी तुलना में हमारे राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो काम किया है थोड़ा सही में आप उद्योगों की सम्मति आवेदन पत्रों की शीघ्रता से निष्पादन एवं मंडल तक पहुंच सुगम करने के उद्देश्य से 2018 से 23 की अवधि के दौरान 10 नए RO ऑफिस स्थापित किए गए और आपके टाइम में 2 और हमारे टाइम में 10 वर्ष 18-19 तक राजस्थान राज्य प्रतिनिधि मंडल में कुल 400 पद स्वीकृत थे और अब 22 तक ये पद बढ़ाकर 686 हो चुके हैं। 18 तक की अवधि में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में 41 कार्मिकों की नियुक्ति की और हमने 148 की नियुक्ति की। 200 इकाइयों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपित करने हेतु प्रक्रिया का अभाव था कोई क्षतिपूर्ति कोई अभाव ही था की नहीं और हमारे टाइम में पर्यावरण संरक्षण हेतु बने विभिन्न अधिनियमों
निर्धारित मानकों की अवहेलना कर प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई। अब तक, पहले तो कोई प्रक्रिया थी नहीं, अब तक कुल 862 इकाइयों के विरुद्ध लगभग 52 करोड़ रुपए की पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि अधिरूपित की गई। आपके टाइम तो खुली छूट थी, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का ये क्षतिपूर्ति का कुछ था ही नहीं, हमने किया। और वर्तमान वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत कुल 39 मानव चलित केंद्र संचालित थे पहले, और हमने कर दिए 57। पूरे में राज्य के 8 जिलों में 10 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता परीक्षा केंद्र स्थापित थे। वर्तमान में 24 जिलों में 36 परिवेशीय वायु गुणवत्ता स्टेशन संचालित है। शेष 10 स्टेशन भी शीघ्र ही संचालित कर दिए जाएंगे। इससे अतिरिक्त राज्य में 2 मोबाइल सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता परीक्षा केंद्र भी संचालित किए जा रहे हैं। उद्योगों की सतत निगरानी हेतु ऑनलाइन सतत उत्सर्जन और प्रवाह निगरानी प्रणाली के अंतर्गत वर्ष 2018 तक 212 इकाइयां राज्य मंडल पोर्टल से जुड़ी और हमारे 399 इकाइयां जुड़ी। तो इस प्रकार इस पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी ये हमारे बोर्ड ने काम किया है। अंत में मैं आज इस वन और पर्यावरण विभाग की महत्वपूर्ण मांग पर चर्चा के दौरान कई माननीय सदस्यों द्वारा विभागीय गतिविधियों के संबंध में अनेक सुझाव दिए गए और मैं प्राप्त सुझावों का परीक्षण करा करके आवश्यकताओं अनुसार कार्रवाई करने की व्यवस्था करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और आप लोगों ने जो बहुमूल्य सुझाव दिए उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। साथ ही कुछ माननीय सदस्यों ने जो बिंदु उठाए सबका मैं जवाब नहीं दे सकता, लिखित में तो कटौती प्रसाद वाले सभ्य ने भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा 227 बीघा भूमि को वन विभाग से अन्य को हस्तांतरित करने के संबंध में बात उठाई। इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि ये माननीय उस न्यायालय से यथास्थिति के आदेश विभाग ने प्राप्त कर लिए, ये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, तथा आगे भी प्रकरण में पूर्ण गंभीरता से कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई ढिलाई नहीं बरतेंगे और विभाग की तरफ से पूरी पैरवी होगी, पूरा पक्ष रखेंगे। पहले जो कुछ हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। सांगोद से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा बहुत ही अत्यंत प्रभावी ढंग से कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया उन्होंने। विभाग द्वारा माननीय सदस्य की मांग के अनुरूप ग्रास लैंड और वेट लैंड के विकास हेतु राशि उपलब्ध करवाई जाएगी, जो उनकी मांग थी उसके हिसाब से, और क्लोजर तैयार कर वन क्षेत्रों का रिवाई करने का प्रयास भी किए जाएंगे, क्योंकि सांगोद से आने वाले माननीय सदस्य बहुत ही अनुभवी है और इस वाइल्ड लाइफ के मामले में तो उनका कोई मुकाबला नहीं, और जितना ज्ञान और जितना वो अनुभव रखते हैं उसके मुकाबले मैं कुछ भी नहीं, और मैं तो उन्हीं से ये जो कुछ भी सीखता हूँ। झाड़ोद से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा वर्षों से वन क्षेत्र में रह रहे लोगों के आवागमन हेतु रास्तों की मांग की गई। सरकार द्वारा सामुदायिक वनाधिकार पत्रों को जारी करने के हेतु एक विशेष अभियान 1 मार्च से 30 जून तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत रास्तों के आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार अनुमोदन कर ऐसे रास्तों के निर्माण में आने वाली समस्या को कम करने का पूरा प्रयास करेंगे। छबड़ा से आने वाले मनुष्य हिंगलोड से मदना खेड़ सड़क के फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात, इस सड़क की प्रथम स्तरीय स्वीकृति जारी कर दी गई है, अब चले गए बताई नहीं, तथा आवश्यक राशि जमा कराने पर अंतिम स्वीकृति भी जल्द जारी करने का प्रयास किया जाएगा। जो पैसे हैं वो तो जमा कराने पड़ेंगे सड़क के लिए, जमीन डाइवर्स कराने के लिए। फतेहपुर सीकर से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा नेहरू पार्क के लिए बजट की मांग की गई, इसे तो बजट तो करवाया जाएगा। आज चर्चा के दौरान कल सदस्य प्लास्टिक के उपयोग पर भी लगाई गई पाबंदी को क्रियान्वयन करने तो आवश्यक कार्रवाई की मांग की उठाई गई। सरकार द्वारा 419 टन प्लास्टिक कैरी बैग जब्त करने के साथ लगभग 4 करोड़ का जुर्माना वसूल किया जा चुका है।
फिर इसे आने वाले माननीय सदस्य द्वारा अधिसूचित बाड़ा खेड़ कंजर्वेशन रिजर्व के विकास की राशि की मांग की है। विभाग द्वारा इस स्थान में विभिन्न गतियों के संपादन हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। मैं सदस्य को यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में जलवायु परिवर्तन नीति का अनुमोदन कर दिया गया है और वेटलैंड अधिसूचित कराने की कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी गई। सदन में आज कई माननीय सदस्यों द्वारा भिवाड़ी में प्रदूषण की समस्या की भी बात उठाई। सरकार 10 वर्ष से पुराने डीजल तथा 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों का चलना प्रतिबंधित किया गया है। 348 औद्योगिक इकाइयों को अनुमत ईंधन पर परिवर्तित कराया गया है। मैकेनिकल रोड स्वीपिंग एंटी स्मोक गन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। 500 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉटों पर निर्माण से उड़ने वाले धूल पर नियंत्रण हेतु ऐप पर इनका पंजीयन अनिवार्य किया गया है। सरकार द्वारा आने वाले समय में और प्रभावी कदम उठाकर प्रदूषण कम करने के प्रयास किए जाएंगे। तो इस प्रकार ये वन और पर्यावरण के बारे में, और वैसे जो है पर्यावरण के दूषित के मुख्य रूप से 2-3 कारण हैं पर्यावरण। एक तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण और प्लास्टिक कैरी बैग से। तो इनके जो भी सरकार ने कार्रवाई की है इसके ऊपर जो भी, उसके बारे में काफ़ी लंबी है। अगर आपकी अनुमति हो सदन की तो टेबल कर देते हैं। सारी बातें आ गई, गागर में सागर भर दिया, बहुत अच्छा हो गया। गागर में सागर भराग नहीं भरा तो ये मैं टेबल कर देता हूं। तो इसलिए अंत में मैं सभापति महोदय, ये वन विभाग इसका तो दायित्व है ही, ज्यादा से ज्यादा वन क्षेत्र विकसित हो, पेड़ कटे नहीं, लेकिन इसके लिए सबके सहयोग की जरूरत है। जब तक सबका सहयोग नहीं मिलेगा अकेला वन विभाग कुछ नहीं कर सकता। वन विभाग के पास में स्टाफ की कमी, ये आप सब जानते हो, कई बार मार भी खाते हैं और उनकी कौन पड़ता है। और अध्यक्ष सभापति महोदय, हम लोग राजनीति में बैठे हुए लोग भी अवैध खनन में कई बार दखल करते हैं, अतिक्रमण में भी हम लोग पीछे नहीं है। मैं किसी का नाम ले लेकर, आखिर कौन करता है? अवैध खनन भी इंसान ही करता है, अतिक्रमण भी इंसान ही कर रहा है, पेड़ों को काट भी इंसान ही रहा है। अगर इंसान ये जिस दिन सोच लेगा कि ये पेड़ नहीं कटने चाहिए, अगर पेड़ कट जाएंगे तो मनुष्य का पेड़ का एक चोली दामन का साथ है, तो इससे बचने की जरूरत है। और खास करके अभी विठल जी ने, अवस्थी जी ने जो बात कही, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और यहाँ पर जितने भी माननीय सदस्यों ने जो भी बातें कही मैं उन सारी बातों से सहमत हूँ। लेकिन आप ये सोचो कि एक सिर्फ हमारा विभाग एक हमारा इसमें नियंत्रण कर लेगा तो ये संभव नहीं है। उसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। और आपको मेरे विभाग से कोई भी किसी प्रकार की कोई शिकायत है, आप जैसे प्लांटेशन की बात है, कमेटियाँ बना करके कराते हैं, उसमें पैसे खा जाते हैं, गमन हो जाता है, कोई ऐसी चीज़ें है तो आप मेरे ध्यान में लाएं। जब से मैं मंत्री बना हूँ तब से लेके अब तक कोई भी माननीय सदस्य अगर मेरे पास आया तो मैंने उसकी सुनवाई नहीं की हो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की हो, अधिकारियों को बात नहीं की हो, निर्देशित नहीं किया हो, तो आप मुझे कह सकते। लेकिन कोई भी चीज़, इतना बड़ा राजस्थान है, कहाँ पर क्या हो रहा, मेरे ध्यान में तो आप लाओगे जब होगा, बिना ध्यान में लाए तो किस पे क्या है, किसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाए। और दूसरा सभापति महोदय, ये जो डाइवर्जन की बात, मोटे रूप में सड़कों के लिए जमीन की जरूरत है। नियमों के अंतर्गत सड़क बनाने की बात है तो उसके लिए भूमि का डाइवर्जन करवाना पड़ता है। अभी एक वो डाइवर्जन का अभी मामला आया, वो छपड़ा से आने वाले माननीय सदस्य के प्रथम स्वीकृति हुई, लेकिन पैसा जमा कराना पड़ेगा उसके लिए। जो भी है उस, वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, नियमों के अंतर्गत कर सकता हूँ डाइवर्जन का। उसके अलावा किसी का भी हो, वो डाइवर्जन का काम उसमें टाइम बहुत लगता है और नीचे लेवल से काम बहुत धीरे चलता है।
और खास करके लोगों को मालूम भी नहीं है, उसके लिए यूजर एजेंसी चाहिए। कौन किसके कौन रास्ता मांग रहा है, ग्राम पंचायत मांग रही है, पीडब्ल्यूडी मांग रही है, यूआई ये नगर निगम नगर परिषद मांग रहा है, कौन कोई न कोई मांगने वाला यूजर एजेंसी, वो अप्लाई करेगा ऑनलाइन और करने के बाद में आप उसको बता दें, मेरे को बताएं, मैं उसको फॉलो करूंगा और आप भी फॉलो करें। कोई भी काम किसी को करवाना है तो उसके लिए पीछे तो लगना पड़ेगा। आजकल का सिस्टम है वो किसी से छिपा हुआ नहीं, अगर पीछे आप फॉलो नहीं करोगे तो वो वहीं पड़ा रहेगा। आप फॉलो करें और मेरी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे बताएं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। इसमें कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं, सड़क तो सबके लिए चाहिए, उसमें कोई कांग्रेस वाले सड़क पे चलेंगे या बीजेपी वाले नहीं चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। और कोई भी आप विपक्ष से भी माननीय सदस्य, आप एक भी बता दो कभी भी कोई काम के लिए आपने कहा, जो होने लायक काम है, जो वाजिब काम है, नियमों के अंतर्गत है, कानून के अंतर्गत है, कोर्ट के निर्णयों के अंतर्गत है, उसको तो मैं करने के लिए तैयार। जो नियमों के अंतर्गत नहीं, कानून के अंतर्गत नहीं, कोर्ट के निर्णयों के हिसाब से, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, उसमें मैं भी लाचार हूँ। ठीक, इसलिए आप लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए और अधिकारियों को मैंने पहले ही निर्देश दे दिए थे कि जो भी माननीय सदस्य यहाँ पर बोले उसको आप नोट करोगे। एक एक इन्होंने आपकी एक एक बात को अधिकारियों ने नोट किया है, हमारे ACS को भी मैंने कह दिया था और मैं बराबर इनसे इन्होंने नोट किया है और उस पर वो कार्रवाई करेंगे, जो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते उसके लिए आश्वासन। ठीक साहब, मंत्री महोदय, और बस एक मिनट पास कराए और इसके एक मिनट में पूछ, इसके इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप मेरे को बता दें, शिकायत मिलेंगे आपसे, अधिकारियों के साथ बिठा करके आपको और बात करवा दूंगा और आपका उसका कोई न कोई निस्तारण जो भी हो उसका निपटारा करवा। पर बुला करके, अभी बीच में आया था इको सेंसिटिव जोन का मामला आया था अलवर का, सरीसी का, एक मिनट श्री शांति कुमार धारीवाल, हाँ आपकी भी बात हो गई है, आपकी भी बात उठाई, मैंने जाकर के वहां उनसे बात कर ली, पास कराए आपको, विश्वास रखो भरोसा रखो, ठीक है ना, मैंने आपको कह दी। तो इसलिए जो जिसने भी जो जो बात उठाई है मैंने भी उस पर कॉग्निजेंस ली है और अधिकारियों ने भी शांति कुमार धारीवाल ली है, इसलिए और कभी भी आप चाहें आपके साथ मैं एक मिनट लूँ। सरीसी का मैं इको सेंसिटिव जोन का मामला था, ये बैठे हैं मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी बैठे हैं, ये हमारे कितने MLA बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, इनको आप पूछ लो, ये टीकाराम जी जुली भी बैठे होंगे। मैंने अधिकारियों की मीटिंग ACS की, इनको सबको साथ बिठा करके, विभाग पोल्यूशन बोर्ड वो तो एक अपने आप में बोर्ड है, अब आप ज्यादा कहने की ठीक नहीं, फिर भी उनको बुलाया, बुला करके ACS की इनको साथ में बैठ करके मीटिंग करके और उसका हल निकाला है। तो कहना है मतलब कोई भी हल निकालने के लिए बैठ करके बात करनी है, देन मैं मांग करता हूँ कि ये मांग पारित की जाए। श्री शांति कुमार धारीवाल,